सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका ज्ञान। आज के वीडियो में हम आपको आपके जो व्याकरण में कुछ आपके प्रश्न होते हैं, पहले आप उनके टाइप देख लीजिए। ये जो आपकी तालिका यहाँ पर बनी हुई है, पहले मैंने आपकी ये तालिका इसलिए बनाई है ताकि मुझे आपकी वीडियो में अधिक समय ना लगे। इस तालिका को आप विशेष रूप से याद कर लीजिए और चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तालिका ही जो मैं आपको फोर टाइप चार प्रकार के मैं आपको प्रश्न बताऊंगी कि जो आपके पेपर में आते ही हैं। सिक्स क्लास के लिए तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यदि अदर क्लास के बच्चे भी देखते हैं तो ये चारों प्रकार के प्रश्न उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। आपको अपनी तालिका और जो ये आपके सद्रूप क्रिया की दो मैंने तालिका बनाई है। सद्रूप से मतलब है कि मुख्य रूप से आपका कर्ता, जो कार्य को करने वाला होता है वह आपका कर्ता कहलाता है, और जिससे कार्य के होने का पता चलता है वह आपकी क्रिया कहलाती है। आपके वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया आवश्यक रूप से होनी चाहिए, तभी आपका वाक्य पूर्ण होता है। चार प्रकार को आप जानने से पहले एक जो आपका मुख्य नियम होता है उसको आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर स्पेस आपका नियम यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अपने सारे चार टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। नियम में आपका वाक्य का एक ही नियम होता है, जिस वचन पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन पुरुष की क्रिया प्रयोग होती है या होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रयोग होती है, यह आपका मुख्य नियम है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। इसको मैं यहां पर आपका अलग ब्रैकेट में कर रही हूं ताकि आपको विशेष रूप से याद रहे। जो हम अपने चार प्रकार के प्रश्न करेंगे उसमें ये वाले जो नियम है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइप का आपका प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा सह और यहाँ पर आपके रिक्त स्थान बना देते हैं, पूर्ण विराम के बाद आपके कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी क्योंकि आपको ये समझना है। ऑप्शन में आप पहचान सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन यदि आप समझ लेंगे तो बिना ऑप्शन के भी आप इसको आसानी से कर लेंगे। सह, अब आप इसको पहचानिए अपने नियम के अनुसार कि जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता होगा। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये हमारा कर्ता है। अब किस वचन और किस पुरुष का है, देखिए सह कहां पे है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो फिर नियम क्या कहता है, उसी वचन उसी पुरुष की आपकी क्रिया प्रयोग होती है। तो वाक्य में देखिए यह आपका कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रयोग होगी प्रथम पुरुष एक वचन की। यहां पर मैंने धातु रूप में पट धातु लिया है क्योंकि पट धातु आपकी सबसे आसान धातुओं में से है और सबसे पहले जो बच्चा धातु सीखता है वह आपकी पट धातु ही सीखता है। पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और यह धातु आपके याद भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पट धातु ही ली है। सो ट्रिक के लिए आपको अति अतः अंति असि अथा अत आमी आवाह आमह, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखी हुई है जिसमें आप धातु जोड़कर अपनी कोई भी धातु बना सकते हैं। तो हम अपने वाक्य को पूर्ण कर रहे थे, कर्ता है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो उसी के अनुसार धातु लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की जो है पठती। तो आप अपने रिक्त स्थान में पठती लिख देंगे। यहाँ पर पठती आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आपका पठती यहाँ पर नहीं होता तो आप कैसे करते। तो इसके लिए आप अपनी शॉर्ट ट्रिक पहचान लीजिए कि अति जो आपका
यहाँ पे शॉर्ट टिक में है, वह हमेशा सहा और सा में क्या अंतर है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी आप अपने वाक्य को अच्छे से समझेंगे तो आपको जितनी भी दुविधाएं या वाक्य बनाने में प्रॉब्लम होंगी उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सह आपका इसको टिक कर लेते हैं, तऊ और ते, यह तीनों जो मैंने टिक किए हैं यह आपके पुल्लिंग के हैं, इसको एरर बना के लिखेंगे, पुल्लिंग में। और सा ते ताहा जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वह आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। अब जो आपका मध्य पुरुष है इसका जो भाव रहेगा लड़का और लड़की दोनों में सेम रहेगा, उत्तम पुरुष में भी लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन जो प्रथम पुरुष है वह आपका तीनों लिंगों में विभक्त होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जितने भी आपके शब्द रूप होते हैं केवल युष्मद् जो आपका मध्यम पुरुष में होता है, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं युष्मद् मध्यम पुरुष, और अस्मद् ये आपका उत्तम पुरुष, इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी आपके जो भी शब्द रूप होंगे हैं आपके प्रथम पुरुष में ही होंगे, मध्यम पुरुष में युष्मद्, उत्तम पुरुष में अस्मद्। युष्मद् का अर्थ होता है तुम यानी यू, अस्मद् अस्मद् का जो अर्थ होता है वो है आपका आई यानी मैं। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में जो भी शब्द रूप होंगे वह आपके प्रथम पुरुष में ही होंगे, उसी के अनुसार आपको क्रिया प्रयोग करनी होती है। इतना समझने के बाद आप एक प्रकार से कह लीजिए कि जो ती वाले आपके शब्द होते हैं वह आपके सहा सा इनके साथ प्रयोग होते हैं। वैसे तो यहाँ पर नपुंसक लिंग भी आप तत् लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैंने केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आपका वाक्य यदि हम यहाँ पर सहा के स्थान पर सा भी लिखते हैं तो भी आपकी क्रिया पठती ही प्रयोग होगी, क्योंकि सा जो हमारा कर्ता है प्रथम पुरुष एकवचन का ही है लेकिन वह स्त्रीलिंग है। आपके शब्द रूप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों ही लिंगों में भेद होता है, लेकिन धातु रूप जो क्रियाएं होती हैं उसमें कोई भी भेद नहीं होगा, क्रियाएं आपकी तीनों लिंगों में ही प्रयोग होगी, लेकिन नियम केवल आपको इतना याद रखना है जिस वचन जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया प्रयोग करनी होती है, ठीक है। इसी में आप एक दूसरा प्रश्न ले लीजिए, सेकंड नियम ले लेते हैं। अब आपका आवाम यहां पर आपको ये कर्ता दे दिया जाएगा, शेष आपका रिक्त स्थान बना दिया जाएगा। अब आप देखिए आवाम जो आपका कर्ता है वह आपका कहां पर है, यहाँ पर आप अपनी तालिका में ध्यान करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन, आपको अपने पुरुष भी देखने हैं और वचन भी देखने हैं, उसी के अनुसार फिर आपको क्रिया प्रयोग करनी है। आवाम हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया हम प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन, पट धातु को ही हम भी लेंगे क्योंकि यही हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को आप यदि ध्यान रखते हैं तो जैसे आपका पठावाह का हो जाएगा आवाह, इस ट्रिक से आप अपने किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। दो ट्री टाइप वन में लास्ट सवाल देख लेते हैं, ज्यादा मैं आपको नहीं कराऊंगी, शेष पर आप स्वयं अभ्यास करेंगे, क्योंकि यदि मैं आपके हर टाइप के बहुत सारे आपको उदाहरण देती हूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और अधिक आपको केवल स्वयं में प्रयास करना है। अन्य हो जाएगा आपका यूएम, सेम आगे हुए आपका फिलिंग द ब्लैंक आपको मिलेगा, कहने के लिए आपको परीक्षा में ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हम यदि इस तालिका को और अपने धातु रूप को अच्छे से नियम के अनुसार याद कर लेते हैं तो हमें फिर ऑप्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी।
यूएम को पहचानिए, यूएम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार आप देखिए यूएम जो आपका पद है मध्यम पुरुष बहुवचन वाला है। नियम आपको हमेशा नियम याद होना चाहिए कि जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता है उसी वचन उसी पुरुष की हमें प्रयोग करनी है। तो कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया हो जाएगी मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यूएम के साथ आपका हमेशा अथ जो आपका बिना विसर्ग वाला था है उसको आपको प्रयोग करना होता है। अपनी शॉर्ट ट्रिक में देखें यहाँ पर अथ यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन जो आपका विसर्ग वाला अथ ये शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन में प्रयोग होगी यानी युवाम के साथ। तो इस प्रकार ये आपके वाक्य हो जाएंगे। फिर टाइप टू सेकंड टाइप में आपके कुछ इस प्रकार से पहले आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा उसके बाद आपका कोई भी धातु जैसे यहां पर तो आपके पट धातु लिखी हुई है लेकिन अब मैं आपको क्योंकि ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए वहां पर उसके अनुसार देख लेती हूं। तो यहां पर हम अलग से धातु लेंगे जो है धावामी। अब टाइप वन में आपको पहले कर्ता दिया गया था क्रिया आपको अपने आप लगानी थी लेकिन टाइप टू में क्रिया आपको दी गई है अब कर्ता आपको एक प्रकार से धातु रूप दिए गए हैं अब कर्ता जो उसके अनुसार होगा उसको आपको प्रयोग करना है। यहां पर ध्यान देंगे धावामी तो धाव आपकी धातु है आमी। आप अपनी ट्रिक को ध्यान रखेंगे कि आमी आपका कहाँ आया है उत्तम पुरुष एकवचन में। यहां पर पठामी लिखा हुआ है ना एकवचन के सामने तो आपका उत्तम पुरुष एकवचन में आया है आमी। इस प्रकार आपकी क्रिया क्या होगी उत्तम पुरुष एकवचन की। नियम आपका वही रहेगा कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होगी। इसको यदि क्योंकि हमें क्रिया मिली हुई है तो उल्टा कर लेते हैं कि जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का कर्ता में प्रयोग करना है। अब अपनी क्रिया को हमने पहचान लिया है उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष एक वचन वाला तो वह होगा आपका अहम। इस प्रकार आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा अहम धावामी। एक और अपना वाक्य ले लेते हैं खादंती। यहां पर आपको खादंती वर्ड मिला है अब आप देखिए अपनी धातु की जो ट्रिक है उसको पहचानिए। खाद आपकी धातु है अंति आपका लास्ट में जुड़ा हुआ है तो देखिए आपकी अंति यहां पर है ट्रिक में प्रथम पुरुष बहुवचन में। नियम आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हम बहुत बार दोहरा चुके हैं कि जिस वचन का कर्ता होगा जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष की हमें क्रिया प्रयोग करनी होती है। अब यहाँ पर हमें क्रिया पहले मिली हुई है तो कर्ता भी हम उसी के अनुसार करेंगे। क्रिया हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन है तो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन ही होगा। यहाँ पर आपके प्रथम पुरुष बहुवचन में दो पद हैं ते ताहा। जब तक आपको निश्चित रूप से स्त्रीलिंग ना बताया जाए तो आप सामान्य रूप से पुल्लिंग वाले पद का ही प्रयोग करते हैं लेकिन जब यहाँ पर विशेष रूप से कह दिया जाता है कि वह खा रही है या वह सब खा रही है तभी आप अपने स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब तक आपको ना बताया जाए कि जो सामने काम करने वाला है वह लड़का है या लड़की है तो तब आप अपने पुल्लिंग वाले शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो खादंती के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन में पुल्लिंग वाला पद होगा ते तो आप अपने इस वाक्य में ते लिख देंगे। शेष जो आपको ऑप्शन मिले होंगे उनके अनुसार भी आप देखेंगे। ते में केवल आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ते आपका स्त्रीलिंग के द्विवचन में और ते आपका पुल्लिंग के बहुवचन में आया है तो जो आपका पद है या वाक्य है वह द्विवचन है या बहुवचन है। लड़कियों के लिए है तो द्विवचन होना चाहिए तब आप ते का प्रयोग करेंगे
और लड़कों के लिए है तो वह बहुवचन होना चाहिए, तब आप अपने ते का प्रयोग करेंगे। अपना लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। शेष पर आप स्वयं अभ्यास करेंगे। नमामः, नमामः कर लीजिए। अब बताइए नमामः आपका पहले क्रिया हमारे सामने है, धातु रूप है तो इसको पहचानते हैं। नम आपकी धातु है, आमहा ये अपनी ट्रिक है, आमहा आपकी ट्रिक है यहां पर, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। जब हमारी जो धातु है वह उत्तम पुरुष बहुवचन की है तो कर्ता क्या होगा? नियम आपको याद है, उत्तम पुरुष बहुवचन वाला ही होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा वयम। इस प्रकार ये आपके टू टाइप, दो प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिए हैं। टाइप थर्ड देख लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको रब करेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो थर्ड टाइप में आपको हिंदी वाक्य की हिंदी बनाने के लिए आ जाती है या फिर संस्कृत बनाने के लिए। तो सबसे छोटा जो आपका वाक्य होता है उसके लिए एक कर्ता और एक क्रिया, दो ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। कर्म को हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेन आपकी आवश्यकता है या रिक्वायरमेंट जिसको हम कहेंगे, वह एक कर्ता और एक क्रिया की ही होती है। नियम यही है कि जिस वचन का कर्ता है उस वचन की क्रिया प्रयोग होगी। तो हम यह भी यहां पर हिंदी लिख देते हैं, जैसे मैं जाता हूं। जाता हूं से अच्छा है कि हम जो हमारे पास सामने रूप है उनको ही कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, इसमें से आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि क्रिया आपकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन मेन अंतर होता है आपका जो आपके कर्ता होते हैं। कर्ता में भी केवल प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपका, यहां पर मैंने समा करें हिंदी नहीं लिखी है, मैं आपका होता है अहम के लिए। आप चाहे एक बार की हिंदी लिख लीजिए, इसका होता है वह, इन दोनों में द्विवचन में होगा वह दोनों, स्पेस कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ताहा माने वह सब, त्वम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। इस प्रकार आप इनके अर्थ हिंदी में जान लेंगे तो आपको हिंदी से संस्कृत बनाने में आसानी होगी। वर्तमान काल है, वर्तमान काल में आपका लट लकार प्रयोग होता है जो सामने लिखा हुआ है। तो मैं के लिए आपकी संस्कृत क्या होगी? अहम। तो जब भी आपको वाक्य में हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए आएगा तो छठी क्लास में, क्योंकि आपकी संस्कृत शुरू ही होती है, तब तक आप बहुत कठिन वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो आपको आपके कर्ता में जो सामने लिखे हुए हैं और वर्तमान काल का जा रही हूं या जाता है, जो हम काम कंटिन्यूटी में करते हैं, लगभग बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, वो सभी आपके वर्तमान काल में होते हैं। जैसे पढ़ता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस वाले भाव में भी, या जा रहा है, कर रहा है, पढ़ रहा है, इस वाले भाव में भी आपके वर्तमान काल के ही जो धातु रूप है लट लकार वही प्रयोग होते हैं। तो अहम हो गया आपका मैं के लिए, पढ़ता हूं
अब यहां पर आप सोचेंगे कि पठती प्रयोग कर देंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम आपको यहां पर भी ध्यान रखना है कि जिस वचन का कर्ता होगा, जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी वचन और उसी पुरुष की हमें क्रिया प्रयोग करनी है। पढ़ता हूं आम के साथ, देखिए अभी आम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन वाली ही होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा अहम पठामी। इस प्रकार यदि आप करेंगे तभी आपका वाक्य सही होगा। यदि आप अपने अहम के साथ पठती प्रयोग करते हैं या पठसी प्रयोग करते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। एक और देख लेते हैं उदाहरण इसका। तुम दोनों यहां पर हम पट धातु का नहीं लेंगे, अलग लेंगे। तुम दोनों चल रहे हो, तो यहां पर आपका तुम दोनों अपने कर्ता में देखिए कहां पर है, यहां पर हम तुम दोनों दिखाई दे रहा है, तो उसका जो संस्कृत है युवाम, युवाम आप लिख लेंगे। चल रहे हो, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? देखिए कर्ता के अनुसार नियम आपको हमेशा याद रखना है। नियम आप यदि थोड़ा सा भी भूल जाते हैं या उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आपका वाक्य बनने के बाद भी गलत ही होगा। तो युवान आपका कर्ता पहचानिए, मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो मध्यम पुरुष द्विवचन वाली ही आपकी क्रिया प्रयोग होनी है। यहां पर हमने अपना पट धातु नहीं लिया है, चल धातु लिया है, तो हम अपनी शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। अथा, तो चल धातु में हम अथा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका चल था, यानी युवाम चल था, तुम दोनों चल रहे हो। इस प्रकार ये आपके 3 टाइप के प्रश्न हो गए हैं। अब जो आपका 4 टाइप का प्रश्न है वह आपका आसान भी है और कुछ हार्ड भी है, तो दोनों ही अनुसार देखेंगे। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत संस्कृत आती है या थोड़ा वो संस्कृत में अच्छे हैं तो उसको वो आसानी से कर लेंगे, या जिन बच्चों ने अपनी ये तालिका याद कर ली या समझ ली तो वो भी उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये आपका बहुत ज्यादा आता है, यह है आपका है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन, नाम से ही पता आपको लग रहा होगा कि वचनों का आपको परिवर्तन करना है। ये आपका टाइप 4 है, पहले वाला हम देख लेते हैं। जैसे ये होगा सा लिखती, इसको वाक्य देने के बाद ब्रैकेट में कर दिया जाता है, बहुवचने, फिर ब्रैकेट बंद करके यहां पर आपको स्पेस दे दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि सा लिखती जो आपका वाक्य है उसको आपको बहुवचने नहीं बहुवचन में परिवर्तन करना है। अब आपको यदि तालिका याद है अपने कर्ता और क्रिया की तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे सा, सा है आपका प्रथम पुरुष एक वचन, तो उसको आपको बदलना है बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, देखिए कौन सा होगा, सा आपका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला ही आप अपने बहुवचन लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है और आप अपना पुल्लिंग वाला ले लेंगे। संस्कृत में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि स्त्रीलिंग वाला है तो स्त्रीलिंग वाला लेंगे, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का लेंगे। तो सा का बहुवचन होगा, ध्यान करिए वहां पर, ताहा, वेरी गुड, प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगा स्त्रीलिंग में ताहा। अब क्रिया भी दोनों बदलनी होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कर्ता अपना बदल देते हैं लेकिन क्रिया नहीं बदलते, वो क्या करेंगे, ताहा लिखती। इस प्रकार आपका वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा नियम फॉलो नहीं हो रहा है।
जब हम अपने कर्ता को बदल रहे हैं तो क्रिया भी हमें बदलनी होगी। तो यहां पर ती है, ती आपका यहां पर है। अब हमें क्या जोड़ना है, अंती। यहां पर आपका पट धातु है, यदि यहां पर पट धातु लिखा होता तो मैं आपका यहां से समझा देती, लेकिन हमें अपने ट्रिक को समझना है। धातुएं आपकी बदलती रहेंगी, हमेशा आपकी पट धातु नहीं रहेंगी। टीचर आपको अलग अलग धातुओं में देते हैं ताकि आपको धातु रूप भी याद हो, तो अपनी ट्रिक याद रखेंगे। तो लिख धातु में आपका अंति जुड़ जाएगा, क्योंकि अंति ही ट्रिक हमारी बहुवचन की है। तो इस प्रकार आपका पद जो वाक्य है वो हो जाएगा ताहा लिखंती। इस प्रकार एक वचन का आप बहुवचन में परिवर्तन कर लेंगे। एक और कर लेते हैं, यूयम। चलत। अब यहां पर ब्रैकेट में आपको एक वचनम या एक वचने इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ब्रैकेट में जब आपको ये दिया हुआ जाता है, दिया रहता है, तो उसका अर्थ होता है उसमें आपको परिवर्तन करना है। यूयम चलत आपका मध्यम पुरुष बहुवचन है, एक वचन यानी एक वचन में आपको बनाना है। जब हम अपने शब्दों को पहचान लेते हैं कि वह कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, और ये तालिका हमारे दिमाग में याद होती है, तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। यूयम का हमें एक वचन करना है जो है त्वम। तो कर लीजिए, त्वम। क्या इसके सामने चलत ही आएगा? यदि हम यूयम कर रहे हैं तो चलत प्रयोग कर रहे हैं, जब हम त्वम प्रयोग करेंगे तो फिर वही नियम, त्वम के साथ क्या आएगा, असी जुड़ेगा। चल हमारी धातु है तो हो जाएगा आपका चलसी। लास्ट अहम। नमामि, इसको हम कर लेते हैं द्विवचने, यानी द्विवचन में आपको उसको बदलना है। अब आप देखिए, जो आपका कर्ता और क्रिया है वह कौन से पुरुष कौन से वचन के हैं। अब तक तो आप अपने इनको याद कर चुके हैं, तो आसानी से पहचान लेंगे। अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन है, आमी। आमी अहम के साथ, अहम के साथ आमी, ये आप ध्यान रखिए, तभी आप अपने वाक्य को अच्छे से कर पाएंगे। द्विवचन यानी द्विवचन में बदलना है। उत्तम पुरुष आपका द्विवचन है आवाम, अहम के स्थान पर आवाम कर देंगे। आवाम, अब क्रिया भी तो बदलनी है ना, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा आवाह। नम हमारी धातु है, आवाह इसमें हम ऐड करके धातु रूप बना लेंगे, नमावाह। इस प्रकार ये आपका फोर्थ टाइप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो परीक्षा में आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, चाहे आपकी सिक्स क्लास की हो, सेवन्थ की हो, एट्थ की हो, या फिर भविष्य में जो आपकी नाइन्थ टेंथ के बच्चे होते हैं, उन तक भी ये आपके चारों प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।